अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, माय नेम इज़ एहतियाम और आप देख रहे हैं माई यूट्यूब ब्लॉग और यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज के स्टूडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप कैसे विड आईक्यू की मदद से एक न्यू वीडियो जो है आपका, यानी न्यू अपलोड है, उसे डीमोनेटाइज होने से कैसे बचा सकते हैं। तो फ्रेंड, वीडियो शुरू करने से पहले हमारी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारा माई यूट्यूब ब्लॉग और यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इस वीडियो के नीचे आपको एक रेड कलर का बटन नजर आ रहा है, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में लगे बेल आइकॉन को जरूर दबाइए ताकि आपको हमारे हर नए वीडियो की जानकारी मिल सके सबसे पहले। उसके अलावा फ्रेंड, यहाँ से लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और अगर आपको कोई मसला पेश आ रहा है तो आप नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम एक वीडियो जो वो अपलोड कर लेते हैं। मैं इधर गया अपलोड के बटन पे और उसके बाद अपलोड ए वीडियो। तो जैसे ही आप फ्रेंड्स अपलोड के पेज पे आएंगे, आपने अपना वीडियो जो इधर से सिलेक्ट करना है। तो जहां से मैं अपना वीडियो जो सिलेक्ट करता हूं, ये वाला हमारा एक वीडियो है जो कि फुटबॉल से रिलेटेड है, इसे मैं ओपन कर लेता हूं। ओपन करने के बाद फ्रेंड्स, जैसे ही आप इस पेज पे आए, आपने जो है इधर स्क्रॉल डाउन करते हुए नीचे चले जाना है तो आपको एक इधर टूल नजर आएगा विड आईक्यू का, जो कि अगर आपने ऑलरेडी अपने चैनल को विड आईक्यू के साथ लिंक किया हुआ और अपने ब्राउजर में जो इसे सक्सेसफुली इंस्टॉल किया हो, तो ये देखिए फ्रेंड्स, आपको इधर एक बॉक्स मिलेगा कंट्रोवर्जल कीवर्ड। ये देखिए फ्रेंड, ये आपको बताता है कि आप अपने टैग, टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन में कोई गलत कीवर्ड का यूज तो नहीं कर रहे जिसकी वजह से आपकी वीडियो यूट्यूब जो है वो फ्लैग कर सकती है, डीमोनेटाइज कर सकती है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम यहाँ पे मिसाल के तौर पे टाइटल में एक कीवर्ड यूज करते हैं, हाउ टू शूट तो फ्रेंड्स, इस वीडियो का टाइटल मैंने रखा है हाउ टू शूट ए फुटबॉल। तो फ्रेंड्स, जैसे ही मैं दोबारा जाता हूँ कंट्रोवर्जल कीवर्ड के सेक्शन में, तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमें बता रहा है कि कीवर्ड जो है वो आपका शूट है और इसकी नेचर कैसी है, यानी कि किस वजह से जो है वो डीमोनेटाइज हमारी वीडियो हो सकती है और इसकी लोकेशन जो है वो टाइटल में है। उसके बाद फ्रेंड्स, हम चलते हैं अपने डिस्क्रिप्शन के बॉक्स में और जहाँ पे फ्रेंड्स कोई कीवर्ड जो है वो टाइप कर लेते हैं। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे एक कीवर्ड का यूज करता हूँ, पॉर्न का। तो जैसे ही फ्रेंड्स मैंने पॉर्न का कीवर्ड यूज़ किया, उसके बाद दोबारा हम जाते हैं इस कंट्रोवर्जल कीवर्ड के सेक्शन में। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमें दोबारा बताया जा रहा है कि इसकी नेचर जो है वो सेक्सुअली है, उसके बाद ये कीवर्ड पॉर्न है और इसकी जगह जो है वो डिस्क्रिप्शन में, इसकी लोकेशन जो है वो डिस्क्रिप्शन में है। उसके बाद फ्रेंड्स, हम चलते हैं इधर टैग्स के सेक्शन में और जहाँ पर कोई कीवर्ड जो है वो टाइप करके देख लेते हैं। मिसाल के तौर पर हमारी ये वीडियो फुटबॉल से रिलेटेड है, हाउ टू शूट ए फुटबॉल, तो मैं यहाँ पर कीवर्ड जो है वो टाइप कर लेता हूँ डेड शूट। उसके बाद फ्रेंड्स, मैंने इंटर का बटन प्रेस किया। तो जैसे ही फ्रेंड्स हम दोबारा जाते हैं इधर, आप चेक कर सकते हैं कि हमें एक और जो है वो इधर कंट्रोवर्जल कीवर्ड में एक सेक्शन जो है वो और ऐड कर दिया गया, कीवर्ड ये वाला जो कि डेड है। और इसके अलावा फ्रेंड्स, इसकी लोकेशन जो है वो टैग्स के सेक्शन में है और इसकी जो है वो नेचर जो है वो ट्रेजेडी एंड कॉन्फ्लिक्ट है। तो फ्रेंड्स, आप जब भी आप कोई न्यू वीडियो अपलोड करें, अगर आपको इस तरह की कोई वार्निंग इधर कंट्रोवर्जल कीवर्ड में मिले, उस वर्ड को आप टैग, टाइटल और डिस्क्रिप्शन से रिमूव कर दीजिए और बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि आपकी वीडियो जो है वो डीमोनेटाइज नहीं होगी। तो फ्रेंड्स, ये था आज का एक छोटा सा वीडियो, मुझे उम्मीद है कि ये पसंद आया होगा। आपको पसंद आए तो प्लीज से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और फ्यूचर में ऐसी हेल्पफुल इंटरेस्टिंग वीडियोज के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू, बाय एंड टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।